ये है सासन गिर का सेंट्रल एरिया, नेशनल पार्क के पास का एक अच्छा सा रिसोर्ट है, उसका नाम है अरण्य विला बाय वीट्स। इसके अंदर 20 विला है और सिर्फ एक ही रो है। एक विला के अंदर 3 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है। अच्छा सा गार्डन है, बाहर फ्रंट में करीबन 2 या 3 एकड़ का गार्डन है और अंदर ये विला की रो है और सेंट्रली एक रो जाती है। मैं आपको रो दिखाऊंगा और कमरे दिखाऊंगा, कमरे बहुत बढ़िया है। ये सेंट्रली रो है, ये रिसेप्शन है, ऊपर एक बड़ा सा बैंक्वेट भी है और इस साइड पे ऊपर रेस्टोरेंट है। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। हर विला के आगे झूला है, गुजराती ट्रेडिशनल देसी खाट भी रखी हुई है और फार्म भी है। ये 2 मिनट का वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा रुकने के लिए। ये पूरा डीप फॉरेस्ट के और गिर नेशनल पार्क जो है उसके सेंटर में है और इसके पास है। चारों ओर पूरा घना जंगल है। यहाँ जितने भी रिसोर्ट है वो सब ऐसे ही है। यहाँ रात को बाहर निकलना मना होता है क्योंकि यहाँ लायन कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है और आते रहते ही है। बहुत बड़े केसेस यहाँ हैं कि लोगों के घरों के पास से भी गुजरे हैं, होटल के गेट तक आराम से यहाँ लायन आ जाते हैं। उसके हिसाब से काफ़ी संभलना पड़ता है। यहाँ कुछ कुछ ऐसे भी कॉटेज है, उसका पर्सनल स्विमिंग पूल भी है, एक जनरल स्विमिंग पूल मीडियम साइज का है। वैसे रुकने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है ये, आप कभी भी रुक सकते हो। एक विला है जिसके अंदर 3 के साथ ही आपको एक बड़ा सा ड्राइंग रूम मिलेगा। यहाँ जितने भी रूम है उसमें हर अलग अलग तरह के ड्राइंग रूम है। ये छोटा और मीडियम साइज का है फिर भी बहुत बड़ा है, इससे भी बड़े कमरे हैं यहाँ और रेट करीबन ऑफ सीजन में 3,500 4,500 के आसपास रहता है और सीजन में कमरे का रेट 5,000 6,000 या 8,000 तक हो जाता है। पूरा सेंट्रल एसी है, यहाँ से ऊपर 2 कमरे हैं, दोनों बहुत बेहतरीन कमरे हैं। ये जनरल एरिया है, काफी स्पेशियस रूम है, छोटे रूम नहीं है। यहाँ रूम काफ़ी अच्छी जगह है रूम में और स्वच्छता भी बहुत अच्छी है। यहाँ इनके वॉशरूम भी और वॉशरूम से बढ़िया है। इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीजर भी है
24 आवर पानी आपको मिलेगा। इन साइड मिरर वॉश बेसिन, बाहर फुल साइज का मिरर, कपबोर्ड, किंग साइज का बेड, एसी और बेहतरीन सुविधा है। चलो और भी आपको आगे अच्छा सा कोई रिसोर्ट का वीडियो बना के हम दिखाएंगे। धन्यवाद।